पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बहुत दुखद खबर है कि मुरादाबाद के अति लोकप्रिय नेता कुंवर सुखदेव सिंह जी का दिल्ली एम्स में हार्ट फेल होने की वजह से देहांत हो गया है। ये मुरादाबाद की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुंवर सुखदेव सिंह जी 5 बार के विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद रहे हैं मुरादाबाद से। उनके पिताजी भी स्वयं 4 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं। मुरादाबाद कमिश्नरी का सबसे पुराना राजनीतिक परिवार कुंवर सुखदेव सिंह जी का है। उनके बेटे कुंवर सुशांत सिंह जी ने बलापुर विधानसभा से 2 बार विधायक बने। उनके जाने से मुरादाबाद की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है और पूरी जनता में, मुरादाबाद की जनता में, लोकसभा में बहुत शोक की लहर है। कल लगभग 1 बजे उनके गांव रतुपुरा में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनकी दिव्य आत्मा को अपने शिष्यों में स्थान दे। मेरी बात हुई थी लगभग 7:30 बजे करीब माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब का फोन आया था जानकारी देने के लिए। तो मैंने जब फोन किया तो जानकारी मिली कि कुंवर सुखदेव सिंह जी का देहांत हो चुका है और एम्स में वो मौजूद हैं और हार्ट फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ। हाँ, कल सुखदेव जी ने अपना वोट किया है और कल ठाकुर आए थे और किसी समय कल या आज किस समय एम्स गए थे ये जानकारी अभी नहीं हो पाई है। बिना की सर्वे की मौके पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आसपास के लोगों में उनका ठीक ठाक सर्वे जी का, जैसे मैंने बताया कि मुरादाबाद कमिश्नरी के पुराने और बड़े दिग्गज नेताओं में वो शुमार रहे हैं और उनकी पहुंच खाली मुरादाबाद कमिश्नरी नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पहुंच रही है और उन्होंने हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका उन्होंने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के मदद भी की है और जमीन से जुड़ा नेता थे, वो जनता के नेता थे, हमेशा जनता के बीच में रहते थे। उनके जाने से मुरादाबाद ही नहीं अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा नेता खोया है और ये बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बड़ी क्षति है, उनकी कमी को कोई भी जनता पूरा कर नहीं सकता है और बहुत दुखद है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।